हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को। क्लास 10th के मैथ्स का एग्ज़ाम है, मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है 7 मार्च को। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले कुछ चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल उसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और थोड़े डिफिकल्ट हो लगते हैं। तो उसमें से एक चैप्टर है द अप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो उस चैप्टर को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहले मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद सीधा चैप्टर पर चलेंगे और चैप्टर पर मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, ठीक है ना। देखिए, मैं सीधा सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा क्योंकि सॉल्यूशन बताने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन हर जगह मिल जाएंगे। तो मैं ऐसे बताऊंगा कि मैं अगर आपकी जगह होता तो उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करता, अगर मैं पहली बार क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला होता या पहली बार क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला होता। तो उस मेथड को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए, बिल्कुल टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि यह चैप्टर अगर आप कर लीजिए तो आपको इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगी, आपके मार्क्स में दिखेगी, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में नंबर कटते नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं मुझे पता है और जैसे मैंने भी दिए हैं, और मेरे भी नंबर कभी नहीं कटे क्लास 10 12 इंजीनियरिंग में, मैथ्स में कभी नंबर नहीं कटते हैं अगर आपने सही किया है तो, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले क्लास जो 9th चैप्टर है, 9th चैप्टर है हमारा अप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, अप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, ठीक है ना। तो इसमें हम पहले कुछ टर्म देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ टर्म होते हैं, जैसे आपने सुना होगा लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल लेवल, यही तीन चार चीज़ है, ठीक है ना। जैसे मान लो, एक सबसे पहले देखते हैं, जैसे आप यहाँ हो, आपकी आँख यहाँ पे है, ठीक है ना, आपकी आँख यहाँ पे है, ठीक है ना। और आप देखना चाहते हो किसी ऑब्जेक्ट को जो इस पर्टिकुलर हाइट पे है, ठीक है ना। और आपका जो आईज का हॉरिजॉन्टल लेवल है वो इसके बॉटम पे है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, आपकी आंखें यहाँ पे है, और जो जैसे मान लो आपकी आंखें जिस प्लेस पे है उसी लेवल पे इसका बॉटम है, ठीक है, किसी टावर का। लेकिन आपको देखना है कि इस टावर का टॉप कहाँ पे है, मतलब उसका टावर का टॉप, इस पे कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, इसको आपको देखना है। तो आप अपने आईज को नॉर्मली, तो आपकी आईज क्या रहेगी, सीधी देखती रहेगी, हम सीधे देखते हैं ना हमेशा नॉर्मली। लेकिन तो जहाँ सीधे देखते हैं उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लेवल या हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है ना, जिसको सीधे देखते हैं, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन अगर इसको, अगर हमें हमें ऑब्जेक्ट को देखना है, तो हमारे खुद सोचो, आप अपने आई को थोड़ा उठाओगे नहीं, ऐसे अपने आई को उठाओगे, ऐसे धीरे 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 ऐसे उठाओगे, तो इस जो एंगल बनेगी उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि अपने आपने आईज को एलिवेट किया, थोड़ा उठाया है कि भाई मुझे देखना है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे उठाया है ताकि देख सको आप उस ऑब्जेक्ट को, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन, ठीक है। और इस जैसे ऑब्जेक्ट और आपके आंख के बीच जो लाइन बनेगा उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट समझिए, एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लेवल समझिए। सेम इसी तरह है, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, आपके आपके घर के पास कोई आया, आपके फ्रेंड्स आपके सामने आपके बिल्डिंग के पास आया, वो रोड पे है, मान लो आप बालकनी से ऐसे बाहर निकलते हो, वो रोड पे है आपका खड़ा, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे बालकनी है। तो मान लो एक खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, आपके रोड, तो आप इसको देखने के लिए, आपको नॉर्मली तो सीधा देखते हो ना, नॉर्मली सीधा देखते हो, लेकिन इसको देखने के लिए क्या करोगे, अपने आईज को, अपने आँख को थोड़ा झुकाओगे ताकि इसको देख सको। तो जितना झुकाओगे, जैसे इतना जितना झुकाओगे, उस झुकाओ नॉर्मली इधर देख रहे थे, लेकिन झुकाना होगा इधर ना, तो जो एंगल झुकाओगे उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन कतई ये वाला नहीं होता, क्योंकि आप थोड़ी ऐसे देख रहे हो, नीचे थोड़ी देखते हो, देखते हो सीधा, देख जहां देखते हो उससे लेवल से कितना झुका रहे हो, तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ गए, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ गए, उठाना झुकाना, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल, लाइन ऑफ साइट, दोनों में यही होगा, समझ गए। उसके बाद हमें दो दो चीज और समझनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमारा हमें ट्रिगो ट्रिगो का एक फॉर्मूला बनाना है, ट्रिगो का एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपको सबसे पहले बता दूं कि ये फॉर्मूला तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तब तक जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना पाए। राइट एंगल ट्रायंगल आप अगर आप नहीं बना पाओ तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे इसके, ठीक है ना। क्योंकि हमें फॉर्मूला तो वही आते हैं ना, साइन थीटा कॉस थीटा, सारे राइट एंगल ट्रायंगल वाले आते हैं, क्योंकि वो साइन थीटा कॉस थीटा सारे फॉर्मूला तभी तक वैलिड है जब तक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बनेगा तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो और मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। देखो, मान लो ये है 90 डिग्री, ये है थीटा,
और थीटा के सामने वाला जो होता है ना, सामने जो अपोजिट होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। थीटा जहाँ पे बैठा होता है उसको बेस बोलते हैं, जहाँ बैठने वाले जगह को बेस बोलते ही हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है ना। और एक पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होगा, रटा हुआ होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, तीन चीज़ बस हमें ध्यान रखनी है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। ये आपको याद होगा, बस मैं रिपीट करा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें यूज हो रहा है, मुझे यहाँ पे आपको इस सब चीज़ समझाना नहीं है क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता होगा, और नहीं पता होगा तो प्लीज़ याद करो, ठीक है ना। उसके अलावा आपको ये पता होगा, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है वन अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है वन अपॉन सेक थीटा। ये आपको इस चैप्टर में यूज नहीं आएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, यूज आएगा भी तो मैं साथ के साथ बताता चलूंगा, ठीक है। तो इसलिए आपको कॉसेक थीटा जब भी आए तो एच बाई पी होगा, सेक थीटा एच बाई बी, कॉट थीटा पी बाई बी, बी बाई पी, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और बस समझ लीजिए, उसके बाद हम चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जो जो वैल्यू होता है, जैसे आपको पता होगा, आपने सुना होगा साइन साइन थीटा जीरो डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 45 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री क्या होता है, और 90 डिग्री क्या होता है, ठीक है ना। तो साइन जीरो डिग्री क्या होता है, जीरो, 30 डिग्री होता है 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री क्या होता है 3/2, और 90 डिग्री 1, ठीक है ना। तो एक चीज़ तो आप देख रहे हो, साइन थीटा का जैसे ही थीटा बढ़ता रहता है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, जीरो से वन हो गई। तो साइन थीटा, चलो ग्राफ नहीं बता, तो साइन थीटा ग्राफ कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही ये होता है 90 डिग्री यहाँ पे होता है, मतलब पाई बाई टू यहाँ पे होता है। तो देख रहे हो कि जैसे ही जीरो से हम थीटा इंक्रीज कर रहे हैं तो साइन का वैल्यू, ग्राफ भी इंक्रीज हो रहा है ना, थीटा जीरो तो जीरो, वैल्यू 30 डिग्री तो ऑलमोस्ट हाफ, ये और ज़्यादा इंक्रीज हुआ और ज़्यादा इंक्रीज हुआ, वन तक आ गया। लेकिन कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है ना। तो कॉस के ग्राफ आपको ध्यान नहीं रखने की जरूरत है, लेकिन कॉस थीटा में देख लो, कॉस थीटा बस उल्टा हो जाता है इसका वन। देखिए जब 8th चैप्टर पढ़ाएंगे तो मैं समझाऊंगा कैसे होता है, लेकिन अभी बस याद रखनी है, ठीक है ना। 3/2, 1/√2 और 1/2 और जीरो, उल्टा कर देना बस, यहाँ से ऐसे घुमा दिए। और टैन थीटा, टैन थीटा आपको पता है, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होता है टैन थीटा। तो इसको कर दो 0/1, 0, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि 2 2 कट जाएगा 1/√3, इसको डिवाइड करो सेम है इसलिए 1, इसको डिवाइड करोगे तो 2 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। इसको 1/0 हमेशा इन्फिनिटिव होता है, अनडिफाइंड होता है, क्योंकि जीरो के पास इतना पावर ही नहीं कर सकते ना, जीरो के पास इतना औकात ही नहीं कि वन को डिवाइड कर सके, जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं होती ना, जब तक तो उसके पास अपनी वैल्यू नहीं होगी तो किसी को डिवाइड कैसे कर पाएगा। तो इतना समझ गए, उसका सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको ज़रूरत है तो, नहीं क्योंकि आपके किताब में वैसे भी है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसमें 5 क्वेश्चन, पहला 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स, जो कि एग्जाम होने वाला है, मैंने जो इसका बेसिक ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो इसका 5 क्वेश्चन मैं अभी अपलोड करूँगा। पहला 5 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9.1, पेज नंबर है 203, तो इसका 5 क्वेश्चन मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ। देखिए मैं इसमें सीधा आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊँगा, सॉल्यूशन बथेरे जगह मिल रहे हैं, मतलब बहुत जगह मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे, आप भूलिएगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगा टैकल कैसे करते हैं, क्योंकि मैं देख आपको बताऊँ कि मैं अगर पहली बार अगर मैं क्वेश्चन डील कर रहा होता तो मैं कैसे हैंडल करता है उसको, उस क्वेश्चन को, तो देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिम्बिंग, मैं देखो क्वेश्चन नहीं लिख सकता ना, बहुत लंबा हो जाएगा। सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिम्बिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज हाईली टाइटली स्ट्रेचेज है एंड टाइड है एक टॉप, जैसे उसके पास एक वर्टिकल रॉड है, ठीक है ना, लिखा हुआ है वर्टिकल पोल है जो कि ग्राउंड से टच है, वर्टिकल पोल, उस पर उसका जो उसके पास रोप है वो हाई टाइटली स्ट्रेच करके जमीन पर बांधे हुआ है, लिखा हुआ है कि जमीन पर बांधे हुआ है। और इफ़ द एंगल मेड बाई द रोप विद द ग्राउंड, आप देखो यह है पोल, यह है रोप,
ठीक है ना, रोप को उसने देख लिया, वो रोप को उसने जमीन पे बांध दिया और जमीन से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, जमीन से कभी नहीं लिखा रहा है कि यहाँ पे एंगल, उसने जमीन से एंगल बना लिया 30 डिग्री, और यहाँ पे पहले ही दे चुका है रोप की लेंथ है 20 मीटर, ठीक है ना। अब कोई हॉरिजॉन्टल पोल जमीन पे खड़ा हुआ तो ऑब्वियसली 90 डिग्री एंगल बनाएगा, कोई इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है इसका पोल का हाइट कितना है, ठीक है ना। आपको पता है ये पी होता है, ए बी होता है, ए एच होता है। आप खुद बताइए, खुद बताइए, आपके किस क्वेश्चन में पी दिया हो, एच दिया हो, और पी दिया जा सॉरी एच दिया हो, पी पूछ रहा हो और थीटा पता हो, तो आप ऑब्वियसली साइन, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जिसमें पी और एच दोनों आ जाए? ऑब्वियसली साइन थीटा, क्योंकि देखिए ट्रिगो में जरूरी नहीं है जो एप्लीकेशन में हमेशा टैन थीटा यूज करो। देखिए अधिकतर क्वेश्चन में टैन थीटा यूज होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जहाँ जो जरूरत है वहाँ यूज करो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको या निकाल सकते हो साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, फॉर्मूला होता है पी बाई एच। साइन थीटा कितना है? साइन 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री। पी बाई एच, पी का वैल्यू वैल्यू कितना है? नहीं दिया है, पी का हमें निकालना है, और एच का वैल्यू दिया है 20 मीटर, ठीक है ना। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल्स टू पी बाई 20। अब सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, पी इक्वल्स टू हो जाएगा 20/2 यानी 10 मीटर, यानी पी का वैल्यू पोल है 10 मीटर का, हमें आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। नॉर्मली एक दिया हुआ है कि एक पेड़ है, एक ट्री है, ट्री ऐसा इतना लंबा है, उसके बाद क्या होता है, स्टॉर्म आती है, मतलब स्टॉर्म आने के कारण ट्री का कुछ पार्ट टूट जाता है, ट्री का कुछ पार्ट टूट के, और उसका जो टॉप था ना ट्री का, टूटने के बाद, जैसे मान लो यहाँ से टूट गया, और ये टूटने के बाद ये वाला पार्ट है वो जमीन पे टच हो जाता है और जमीन से कुछ एंगल बनाता है। तो मान लो ये पार्ट टूट के टूटेगा तो यहाँ से टूटेगा तो यहाँ नीचे आ गया जमीन पे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लेवल है ना जमीन, ठीक है ना। जमीन से कुछ एंगल बना रहा है, ग्राउंड से एंगल बना रहा है, वो एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड से। लिया दिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। इसका मतलब जो उसका टॉप था, ये वाला टॉप अब जमीन पे टच हो गया है, जैसे ये जो पॉइंट था मान लो ए, ये अब यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, जमीन से टच हो गया और जमीन से ही एंगल बना रहा है 30 डिग्री। कभी नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ से एंगल बना रहा है, कभी नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। जमीन से एंगल 30 डिग्री बना रहा है, और आपको दिया क्या क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। लिखा हुआ है कि जो इसका टॉप, जो इसका टर्फ है, वो जहाँ पे जमीन से टकराया है, जमीन पे टच किया है, और जब जो ट्री का बॉटम है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर। और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब ट्री का हाइट कितना है? ट्री का हाइट समझिए, आप ध्यान दीजिए, ट्री का हाइट सिर्फ इतना नहीं है, ट्री का हाइट पूरा है, यानी ट्री का हाइट जब भी, जैसे ये आपको पी मान लीजिए, ए एच मान लीजिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ट्री का जो हाइट होगा, हाइट ऑफ ट्री जो कि होगा पी प्लस एच, आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पी ये वाला और एच टोटल, यहाँ से यहाँ तक जो पेड़ है वो तो ट्री का ही तो पार्ट है ना, तो यानी जो ट्री का हाइट होगा पी प्लस एच होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, क्योंकि ये टूटा हुआ है, यहीं से टूट के तो यहाँ पर टच हो गया ना, ठीक है ना। तो आप हम फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे पहले देखिए एच तो हम बाद में निकाल लेंगे, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर निकाल लिख के, लेकिन सबसे पहले हमें पी निकालना है। तो किसी चीज़ में पी दिया हो, जैसे पी निकालना हो, बी दिया हो, थीटा दिया हो, तो ऑब्वियसली टैन थीटा फॉर्मूला यूज करेंगे, टैन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, ठीक है ना। तो टैन टैन 30 डिग्री इक्वल्स टू पी, पी हमें पता है, नहीं पता है पी, डिवाइडेड बाई बी हमें पता है 8 मीटर, ठीक है ना। तो टैन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल्स टू पी बाई एट, ठीक है। तो पी का वैल्यू होगा 8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें डिवाइडेड बाई रूट थ्री, ठीक है ना, पी का वैल्यू पता चल गया। अब हमें क्या करना है, ठीक है ना, इसको देखिए एक चीज, ठीक है यहाँ तक ठीक है। अब हमें एच का वैल्यू निकालना है, क्योंकि तभी तो हम ऐड करेंगे पी प्लस एच को, पहले पी इसका वैल्यू आ गया लेकिन एच का वैल्यू नहीं ना है, एच का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी क्या होगा, 8/√3 का होल स्क्वायर,
प्लस बी स्क्वायर यानी 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऊपर लिख देते हैं। ठीक है ना, यहाँ से हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है ना, 64/3, 8 का स्क्वायर 64, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 64। ठीक है ना, ये है एच स्क्वायर का वैल्यू। अब हम इसको एलसीएम ले लेंगे तो 3 64 प्लस 64 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आप देख लीजिए 192 आता है। ठीक है ना, 180 एंड 4 4 3 12 यानी 192, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 426 मतलब 256 आ जाएगा, 9 और 6 50 256 अपॉन 3। ठीक है ना, एच स्क्वायर का वैल्यू इतना है तो एच का वैल्यू ऑब्वियसली इसका रूट अंडर, तो 256 का होता है 16 और 3 का रूट 3, यानी एच का वैल्यू भी आपको पता चलेगा 16/√3 और पी का वैल्यू पता है 8/√3। और तुम्हें पूरा हाइट निकालना है, ऑब्वियसली सिंपल ऐड कर देंगे, पी कितना है 8/√3 प्लस एच, एच कितना है 16/√3, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दिए तो नॉर्मली रूट 3 एलसीएम, 8 + 16 कितना हुआ 24/√3। लेकिन ये आंसर नहीं है, अब देखिए 24/√3 आया। देखिए कभी भी रूट 3 डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लगता थोड़ा, इसलिए इसको क्या करते थे, हटा देते हैं। रूट 3 को कैसे हटा सकते हो, रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो ऊपर क्या हो जाएगा 24√3 और डिवाइडेड बाई √3 × √3 3 हो गया, 3 8 = 24, यानी आपका आंसर आ गया 8√3। ठीक है ना, अब क्वेश्चन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या था, एक ट्री का कोई पार्ट टूटा और जमीन पे आकर गिर गया और जमीन से एंगल बना लिया 30 डिग्री, तो हमें सबसे पहले निकालना था टोटल हाइट पूछा है ट्री का, तो हमें ये वाला प्लस इसको निकालना था। मैंने बताया कैसे यही होगा ना आंसर, पी प्लस एच। तो हमें हम अब सोचने लगे कि पी कैसे निकालेंगे, एच कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम पी निकाला, पहले एच भी निकाल सकते थे लेकिन पहले पी मैंने निकाला। पी निकालने के लिए मैंने टैन थीटा का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हमें पी पता है, पी निकालना है, बी पता है, थीटा पता है, ऑब्वियसली पी बाई बी किस में आता है, टैन थीटा में ही तो आता है। तो यहाँ से हमें पी का वैल्यू आ गया 8/√3, तो पी भी पता है, बी भी पता है, जो आप एच स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से हमारा एच आ गया। ठीक है ना, एच आ गया, लेकिन हाइट जो है ट्री का टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक है ना, यानी पी अब प्लस एच, तो पी और जैसे यहाँ से पी और एच ऐड कर दिए यहाँ पे। ठीक है ना, और उसके बाद ये आंसर आ गया था, लेकिन ये एक्चुअली आपके बुक में नहीं दिया हो, तो इसको रेशनलाइज कर देते, √3/√3 से डिवाइड करते, क्योंकि डेनोमिनेटर में रूट हमेशा, मतलब न्यूमरेटर में ही हमेशा रूट को रखे, डेनोमिनेटर में अच्छा नहीं लगता। ठीक है फ्रेंड, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि जो जो आपका डाउट है उसका भी एक वीडियो बनाऊं, मतलब अगर 6-7-10 डाउट हो गए तो उसको तो वीडियो बनाना ही होगा ना। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो दो स्लाइड्स बनाना चाहती है, स्लाइड्स आपको पता है जो चिल्ड्रन जिसपे स्लाइड करते हैं, ऐसे जो करते हैं, दो स्लाइड बनाना चाहती है, मान लो दो है। ठीक है, उसने बताया कि एक छोटे बच्चों के लिए, एक 5 साल के कम बच्चों के लिए, एक 5 साल से ज़्यादा के बच्चों के लिए। जो 5 साल से कम के बच्चे के लिए है, उसके लिए स्लाइड का टॉप है 1.5 मीटर, ये है 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टल लेवल से। ठीक है ना, और एक ग्राउंड से एंगल बना रहा है 30। ठीक है ना, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उसके लिए 3 मीटर है, यानी थोड़ा हाइट ऊंचा कर देते हैं, ये है, जरूरी नहीं है लिखने के लिए, 5 साल से कम के बच्चों के लिए, ये 5 साल से ज़्यादा के बच्चों के लिए, मतलब ग्रेटर देन 5 एज, तो इसके लिए थोड़ा ऐसे है और ये है 3 मीटर, ये है 1.5 मीटर, चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा ही बना देता हूँ, नहीं तो ऐसा लगेगा कि फिर, ठीक है ना, और 3 मीटर और इसका एंगल है 60 डिग्री। इसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों में इसका और इसका लेंथ पूछ रहा है। ऑब्वियसली बहुत आसान है, इसको पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं। अब बताओ किस फॉर्मूला में पी और एच आते हैं, क्योंकि यही तो आपको बताने हैं, ये होता है पी, किस फॉर्मूला में पी और एच आते हैं, ऑब्वियसली साइन थीटा में ही आते हैं, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच।
आपको टेन निकालने की जरूरत ना, आप बी पे क्यों जाओगे, आपको निकालना ही नहीं ना, सिर्फ स्लाइड का लेंथ निकालना है, तो इसका लेंथ निकालना है, तो पी बाई एस, तो साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू पी कितना है, हमें हमें पता है 1.5 एच, हमें नहीं पता जो कि हमें निकालना ही तो है एच, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू 1.5 अपॉन एच, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो एच का वैल्यू आ जाएगा 3 मीटर, यानी इसका वैल्यू तो हमें पता चल गया 3 मीटर, लेकिन उसका भी नहीं पता है, ठीक है ना। उसका कैसे निकालेंगे, देखिए उसको निकालने के लिए क्या करना है, सेम यही फॉर्मूला लगे, साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन एच, ठीक है ना, मतलब साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू पी कितना है 3 अपॉन एच का वैल्यू हमें नहीं पता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 इक्वल्स टू 3/h, आप यहाँ से h निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, ठीक है ना, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को अगर आपको पसंद है तो, क्योंकि सबका फ़ायदा होना चाहिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं और नहीं अच्छा लगता तो आप प्लीज़ बताओ क्यों नहीं, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए एक सेकेंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइव नंबर क्वेश्चन है कि द काइट, एक काइट है जो कि जमीन फ्लाई कर रहा है, और उसमें दिया हुआ है कि जो ग्राउंड से उसकी हाइट है 60 मीटर, ठीक है, ग्राउंड से हाइट है उसकी 60 मीटर, उसके अलावा एक चीज़ दिया रखा है, जो काइट का स्ट्रिंग होता है उसको आप ज़मीन पे लेके बांध चुके हो, ज़मीन पे कहीं किसी जगह मतलब स्ट्रिंग को आप स्ट्रेच करके बांध चुके हो, मतलब ज़मीन से एंगल बना रहा है, कुछ ग्राउंड से एंगल बना रहा है, वो एंगल भी दिया हुआ है, वो एंगल है 60 डिग्री, क्वेश्चन यहीं से दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, जिसका मतलब ये है, और द स्ट्रिंग अटैच टू अ काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो काइट जो है उससे स्ट्रिंग लगा है उसको आपने ज़मीन पे बांध दिया है, वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद अ ग्राउंड इज 60 डिग्री, जो जो स्ट्रिंग है वो कितना इंक्लाइंड है ज़मीन से, 60 डिग्री इंक्लाइंड है, वो लिखा हुआ है। उसका लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको इसका लेंथ पूछ रहा है, और ये है क्या, हाइपोटेनस है ऑब्वियसली, ये 90 डिग्री होगा, ये थीटा है, हाइपोटेनस ऑब्वियसली, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, साइन थीटा लगाओगे, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू पी कितना है 60 मीटर अपॉन एच, पता है आपको एच नहीं पता है आपको, तो एच निकाल लोगे यहाँ से, साइन 60 होता है √3/2 इक्वल्स टू 60 अपॉन एच, ठीक है ना, तो एच इक्वल्स टू क्या होगा 60 × 2 अपॉन √3, ठीक है, यहाँ से निकाल लोगे आप, क्योंकि 120 अपॉन √3, 120 को आप ऑब्वियसली क्या करोगे √3 × √3 जैस करोगे, तो 120 √3 अपॉन 3, तो क्या होगा 40 √3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स लोग में, क्योंकि सबका बेनिफिट होना चाहिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो आप बताइए कि क्या नहीं अच्छा लगता है, तो मैं शायद इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, ठीक है, क्योंकि पता नहीं चलता है ना वैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टॉल बॉय, ए 6 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप यहाँ पे खड़े हो, आपके सामने एक बिल्डिंग है, आप यहाँ पे हो, ठीक है ना, आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, एक चीज़ आपको बताना है कि क्या आप जितना नज़दीक आते रहोगे बिल्डिंग के, तो आपके आँखों को, आपके आँख को उतना उठा ज़्यादा एलिवेट करना पड़ेगा ना, या कम एलिवेट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ज़्यादा,
यहाँ पे आओगे तो आपको 90 डिग्री उठाना पड़ेगा, फिर भी टॉप को ठीक से देख नहीं पाओगे। यानी जितना आप दूर रहोगे आपके आईज को कम झुकाना पड़ेगा, तो यानी जितना बिल्डिंग के करीब आते जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ज़्यादा होगा अगर आपको टॉप को देखना है तो, टॉप पे परे ऑब्जेक्ट को देखना है। इसमें दिया हुआ है कि कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट है 30 मीटर, एक ग्राउंड लेवल है, बिल्डिंग का हाइट है 30 मीटर, ठीक है, ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे, यहाँ पे एक बच्चा है 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर का बच्चा, ठीक है। अब उसको वो क्या कर रहा है, अभी उसको टॉप को देखने के लिए यहाँ पे, क्योंकि उसका आई यहाँ पे है तो उसको टॉप यहीं से देखे ना, तो यहाँ पे उसको टॉप को देखने के लिए एंगल को एलिवेट। अब खुद यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ पे होगा, उसकी आई कहाँ पे देखती है, अगर कुछ अगर ना एलिवेट कर रहे, ना एलिवेट करता रहे, ना डिप्रेशन करता रहे, तो उसकी आई सीधा देखेगी हॉरिजॉन्टल लेवल पे, यहाँ देखेगी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल ये हुआ, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हम देखते हैं, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। तो अभी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, मैंने बताया, फिर आगे जब चलेगा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे आके आ गया 60 डिग्री, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि वो बच्चा यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस लगा है, वो ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इसको हम मान लेंगे एक्स, मान लेंगे इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, कोई बात नहीं, एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक। आपको आप बताइए क्या इसकी कहीं ज़रूरत है कुछ, एच की कहीं नहीं ज़रूरत है, तो हम ऐसा फॉर्मूला क्यों लिखेंगे जहाँ पे एच आया हो, तो हम ऐसा ही फॉर्मूला लिखेंगे ना जहाँ पे पी और बी आया हो, तो हम ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं। तो पी और बी वाला फॉर्मूला कौन है, ऑब्वियसली टैन थीटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं, दो है हमें 30 और 60, तो हम सबसे पहले लिखते हैं टैन, टैन 30 डिग्री का फॉर्मूला। अब क्या हमें लाना, क्या है लाना है हमें x, देखिए हम क्या करेंगे, पहले टैन 30 डिग्री के फॉर्मूला से लिखते हैं p अपन b, b में x प्लस वाई आता है, फिर टैन 60 से निकालते हैं, ठीक है ना, फिर हम यहाँ से y का वैल्यू निकाल के x में रख, मैं बताता हूँ। सबसे पहले टैन 30 का वैल्यू, अब बताइए p क्या हुआ, ये सोचने वाला सवाल है, p कभी भी यहाँ से यहाँ तक नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए, आपका एक ट्रायंगल है, क्या आप कभी भी, ये है 90 डिग्री, ए थीटा है, ये है पी, ए बला, क्या ये टोटल हाइट पी लोगे, कभी भी नहीं लोगे, तो पी यहीं तक होगा पी के फॉर्मूला में, यानी 30 में से कितना आप घटाओगे, ये इसके बराबर है ना बच्चा, हॉरिजॉन्टल लेवल यानी ये भी है 1.5, ठीक है ना। तो 30 में से 1.5 गया तो कितना बचा, 28.5 बचा, यानी पी और नया पी जो है, पी जो है नया 28.5 होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, नहीं है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि टैन 30 डिग्री, पी क्या है 28.5 अपॉन बी, बी क्या है, अगर आप 60 डिग्री को भूल जाओ तो हमारा ये क्या होगा, बी टोटल यहाँ से यहाँ तक है ना, तो यानी एक्स प्लस वाई, ठीक है, यहाँ से टैन 30 के, अब उसके बाद हम नेक्स्ट निकालते हैं टैन 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री के लिए, अगर इसको टैन 60 डिग्री तो इसको भूल जाओ, यानी पी अपॉन बी, ठीक है, पी क्या है हमारा, तो वही 28.5, बी हमारा क्या है, ऑब्वियसली वाई, तो यहाँ से वाई का वैल्यू आप निकालो और इसको इसमें रख दो, एक्स का वैल्यू हमारा आ जाएगा, निकाल के बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो वाई इक्वल टू 28.5 अपॉन टैन 60 का वैल्यू √3, ठीक है, इस वाई का वैल्यू आप लेके यहाँ रख दो, सिंपल, कुछ नहीं करना है। टैन 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री इक्वल्स टू 28.5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 28.5 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, टैन 30 क्या होगा 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन एक्स प्लस 28.5 अपॉन √3, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं,